तो हेलो स्टूडेंट्स, मैं आपका फ्रेंड्स, और वादे के मुताबिक मैंने आपका समरी एंड कर चुका हूँ। आज मैं आपका एक्सरसाइज जो छोटा क्वेश्चन आंसर है और जो एक्सरसाइज है उसका सॉल्यूशन मैं बताऊंगा। तो आप मेरे इस यूट्यूब चैनल्स को देखते रहें और पहले सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपको लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन मिलते रहेंगे। मैं कोशिश करूंगा रेगुलर आपको वीडियो देने के लिए। तो चलिए सबसे पहले आप देखिए, आप जो स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट पढ़ चुके हैं, तो पहले रीड द फॉलोइंग सेंटेंस, निम्नलिखित वाक्यों को पढ़ें। राइट टी फॉर ट्रू एंड ए फॉर फॉल्स स्टेटमेंट। निम्नलिखित वाक्यों को पढ़िए और सही है उसके लिए टी मारिए और ये गलत है जो उसके लिए एफ के यूज़ कीजिए। कह रहा है कि द पोएट wants to go because he is tired for his beloved. कवि दूर जाना चाहता था क्योंकि वह अपनी महबूबा से थक गया था। तो बिल्कुल क्या होगा, ये फॉल्स होगा, एफ होगा। बी नंबर, द पोएट हैज़ फाउंड अनदर लेडी, क्या कवि को दूसरी औरत मिल गई थी, हु इज़ मोर ब्यूटीफुल, जो ज़्यादा सुंदर थी, यह भी फॉल्स होगा। सी नंबर, द पोएट इंटेंड्स टू गो ए लॉन्ग जर्नी देन व्हाट द सन अंडर टेक्स, वह दूर जाना चाहता है सूरज को अंडरटेक करने के लिए, भी फॉल्स होगा। मैंस पावर इज़ वेरी वीक, आदमी की शक्ति बहुत कमज़ोर होती है, बिल्कुल ये ट्रू होगा अकॉर्डिंग टू पोएम। और ये है, द पोएट लव हिज बिलव्ड सो इंटेंसली दैट ही विल कम बैक वेरी सून, और कभी जो है ना अपनी महबूबा से बहुत प्यार करता है इसलिए वह बहुत जल्दी लौट आएगा। बिल्कुल ये भी क्या है, बिल्कुल टी है, नहीं ट्रू है, सही है। अब आते हैं आंसर द फ्लोइंग क्वेश्चंस। तो पहला जो है देखिए, आंसर द फ्लोइंग क्वेश्चन ब्रीफली, मतलब संक्षिप्त रूप से, छोटे रूप से एक लाइन में आंसर देना है। निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर संक्षिप्त रूप से दीजिए। व्हाई डज द पोएट वांट टू गो अवे फ्रॉम हिज बिलव्ड, कभी जो है अपने महबूबा से दूर क्यों जाना चाहता था। तो आप कॉपी कलम तैयार कर ले, इसके आंसर ले ले। पहला का, द पोएट वांट्स टू गो अवे फ्रॉम हिज बिलव्ड बिकॉज ही prepares to depart for some special kinds of journey. Okay? अब दो नंबर यहाँ पर देखिए, दो नंबर जो क्वेश्चन है इसको देख सकते हैं कि what are the things that the sun does not have? कौन से चीज़ें हैं जो सूर्य के पास नहीं होते हैं। तो टू नंबर, तो कौन कहते हैं, द सन डज नॉट हैव टू थिंग्स, डिजायर एंड सेंस। सूर्य के पास क्या होते हैं, इच्छा और सेंस, ये दो चीज़ नहीं होते हैं। तीन नंबर आए, तीन नंबर देखते हैं क्वेश्चन, What will make the speaker journey speeder? कौन चीज़ है कि कभी को बहुत गति जो है उनकी यात्रा और स्पीड कर देती है। तो तीसरा है, the desire and the sense which add more wings and sports journey and make the speaker journey speeder. Okay? चार नंबर जो आपका ये क्वेश्चन है, What makes a man's power feeble? कौन से चीज़ है कि आदमी को पावर कमज़ोर कर देता है। तो डेफिनेटली चार नंबर है, फॉल ऑफ गुड फॉर्चून मेक्स ए मैंस पावर फीबल, आदमी की जब तकदीर बिगड़ जाती है तो उसकी शक्ति कमज़ोर हो जाती है अकॉर्डिंग टू पोएम। और पांच नंबर है, हाउ डू शाइंग एंड वीपिंग अफेक्ट द स्पीकर्स, कैसे सिसकने और रोने से कवि के ऊपर प्रभाव पड़ता है इसके बारे में। तो पांच नंबर का आंसर लिखिए, शाइंग एंड वीपिंग बाय द स्पीकर्स लवर टेक हिज सोल अवे फ्रॉम हिज बॉडी एंड हिज ब्लड टू गेट डिके, स्पीकर की महबूबा के आहे भरना और रोना उसकी आत्मा के शरीर से दूर कर देती है और उसके खून के कण कण को छह कर देती है। ओके, और अब आइए छः नंबर, हाउ डज द बिलव्ड वेस्ट द स्पीकर्स लाइफ, कैसे महबूबा कवि का लाइफ को बर्बाद करती है ना जी। तो छः नंबर देखिए, द स्पीकर्स वाइफ insisted him not to go on journey, but if the speaker doesn't go on journey which is duty, then he will waste his precious moment of his life. एक बार और सुन लीजिए, छः नंबर, the speaker's wife insisted him not to go on journey, but if the speaker's doesn't go on journey which is his duty, then he will waste his precious. ओके, नंबर आइए सात, इन सात नंबर देखें, इन व्हाट विल दे लवर्स रिमेन यूनाइटेड, कौन से रास्ते अपना कर जो है ना जो महबूबा एक दूसरे को दम संयुक्त रह सकते हैं, दम बिल्कुल यूनाइटेड रह सकते हैं। तो डेफिनेटली क्या होगा, आंसर लिखिए, द लवर दोज हु कीप ईच अदर अलाइव इन देयर हार्ट्स कैन नेवर बी पार्टेड एंड रिमेन यूनाइटेड। ओके, कहता है कि कंप्लीट द फ्लोइंग सेंटेंस ऑन द बेसिस ऑन द पोएम,
माने कविता के आधार बनाकर निम्नलिखित को कंप्लीट करना है। स्पीकर बिलॉव्ड साई वे, मतलब कवि का जो महबूबा है साई शक्ति है, वे जब शक्ति है वे तो क्या होता है शक्ति है तो क्या होता है जैसे माई सोल अवे, यानी जैसा कि मेरी वो आत्मा निकल जाता है, ठीक है ना। दो नंबर द स्पीकर्स लाइफ ब्लड डिके, मतलब यानी कवि का जो खून जो है क्षय हो जाता है, नष्ट हो जाता है। व्हेन क्या करती है, व्हेन दे वीप्स एट अनकाइंडली काइंड्स, ओके अनकाइंडली काइंड्स कर देंगे। और आइए द स्पीकर्स आस्क हिज बिलव्ड नॉट टू फॉरगेटिंग हिम ए हिम, यानी कहता है कि मेरे बारे में मी एनी इल, कोई बुरा नहीं सोचने के लिए। और पाँच चार नंबर दे हु कीप वन अनदर लाइफ कैन नेवर पार्टेड बी, नेवर पार्टेड बी, अगर एक दूसरे से प्यार करते थे कभी उसको अलग नहीं किया सकता है। तो ग्रुप डिस्कशन मतलब क्या, सामूहिक के तर्क वितर्क, यानी तीन चार स्टूडेंट्स का पांच स्टूडेंट्स का ग्रुप बना लेंगे और कहते हैं कि ट्रू लव नोज नो डिस्टेंस, सच्चा प्यार दूरी नहीं जानता है। अगर प्यार आप सत्य करते हैं, सही प्यार करते हैं तो कोई दूरी उसमें नहीं होता है। लव इज़ द बेसिस ऑफ ए हैप्पी फैमिली लाइफ, यानी जो है एक खुशहाल परिवार जीवन पर आधारित है प्यार। प्यार जो है एक खुशहाल पारिवारिक जीवन पर आधारित है। अब कहते हैं कंपोजिशन, रचना, देखिए रचना कह रहा है कि यू हैड टू लीव योर मदर फॉर द फर्स्ट टाइम, आप अपनी माँ को पहली बार छोड़ने जा रहे हो, तो राइट लेटर टू योर मदर, अपनी माँ के पास एक छोड़े हैं तो एक लेटर लिखे डिस्क्राइबिंग और फीलिंग अपने अनुभव का एट दैट टाइम पार्टिंग, जब आप माँ को छोड़ रहे थे। ऑल्सो प्रोमिस योर स्पीड रिटर्न टू हर, और वादा भी माँ को करा रहे थे कि जल्दी आप वापस आ जाइएगा ना। अब राइट ए पैराग्राफ इन अबाउट 100, मैंने 100 शब्दों पे एक अनुच्छेद लिखिए मीटिंग एंड पार्टिंग विद योर लव्ड वन, जिससे आप प्रेम प्यार करते हो उससे कैसे मिलते हो बिछड़ते हो, तो उस पर 100 वर्ड्स पे लिखना है। अब आते हैं, देखिए वर्ड स्टडी शब्द है, डिक्शनरी यूज शब्द कोश का इस्तेमाल है। रीड दी केयरफुली दी फ्लोइंग लाइन्स टेकन फ्रॉम दिस को, जैसे देखिए व्हेन दाउ साइट नॉट विंड, इन द अबव सेंटेंस दाउ साइट्स एंड विंड आर नॉट ओल्ड यूजेज, द मॉडर्न ने इक्विवेलेंट्स दीज वर्ड्स यू, यानी दाऊ का अब यू का यूज करते, पहले दाऊ बोलते थे तू होता था यू, और साई का यहाँ पे क्या हम लोग देखिए साई बोलते हैं, यहाँ पे साइट्स को साई बोलते हैं और विंडे का यहाँ पे विंड बोलते हैं मॉडर्न में। तो अब वही कहते हैं गो का क्या होगा, तो देखो ई हट जाएगा गो हो जाएगा, मी का मी हो जाएगा, सन का देखिए एस यू एन हो जाएगा, फियर का एफ ई आर फियर हो जाएगा, एच ई ही हो जाएगा, डब्ल्यू ई वी हो जाएगा, विंड का ई हट जाएगा, है ना। तो उसी तरह वियरडिस का देखिए और सेल्फ का ई हट जाएगा, हैथ का हैज हो जाएगा, बिलीव का बी ई एल आई बी ई बिलीव हो जाएगा, ऐड का ए डबल टी ऐड हो जाएगा, जॉय का जे वाई जॉय हो जाएगा, सोल का एस यू एल सोल हो जाएगा, डे हो जाएगा डाई डी आई ई हो जाएगा, हाफ हो जाएगा, जर्नी जे यू आर एन ई वाई हो जाएगा, आवर एच ओ यू आर हो जाएगा, और दाऊ का यू हो जाएगा, वीपेस्ट का वीपेस्ट हो ना तो वीप डब्ल्यू डब्ल्यू पी वीप हो जाएगा। आप कहते हैं लुक अप ए डिक्शनरी शब्द कोश के, देखिए राइट मीनिंग ऑफ द फ्लोइंग वर्ड्स एंड वन विच इट इज़ यूज एन लेसन एंड अदर विच आर कॉमन, इस शब्द को देखिए डिक्शनरी में एक आपका अर्थ मिल जाएगा, डिजायर तो विश होगा इच्छा, एक और भी इसका कॉमन है जो डिक्शनरी देखिए इसलिए लिखे, दो दो इसका अर्थ लिख दीजिए आप डिक्शनरी देखकर, ये तो हो जाएगा। अब कह रहा है कि रीड केयरफुली फ्लोइंग लाइन्स टेकन फ्रॉम द पोयम, निम्नलिखित को सावधानीपूर्वक पढ़िए जो कविता से ली गई है। स्टार नाइट द सन वेंट वन, पिछली रात सूरज चला गया था, और इन द अबव सेंटेंस द वर्ड स्टर नाइट इज मेड फॉर एस्टर जो नाइट, फाइंड आउट दिस सच वर्ड इन द पोएम, मतलब दो शब्द मैंने एस्टर और नाइट, तो कहता है कि और भी कविता से ऐसे वर्ड को पता लगाइए और लिखिए, ठीक है। वर्ड मीनिंग आप कहते हैं राइट द एंटोनिम्स ऑफ द फ्लोइंग वर्ड्स यूज इन देम, एंटोनिम्स समझते हैं ना, उल्टा शब्द जिसको हम लोग अपोजिट वर्ड बोलते हैं, कंट्रेरी वर्ड बोलते हैं, स्वीटेस्ट का तो सावरेस्ट हो जाएगा, स्टर नाइट का टुमारो होगा, फीबल का स्ट्रॉन्ग, होप का डिस्पेयर, बिलीव का अनबिलीव, वेस्ट का गैदर ए कलेक्ट, है ना जी। अब एक्टिविटीज आते हैं, गतिविधि में क्या करना है, कह रहे कि हैव यू एवर रीड ए पोएम, क्या आपने कभी कविता पढ़ा है, कहानी पढ़ा है, उपन्यास पढ़ा है, या कोई प्यार का फिल्म प्यार वाला फिल्म देखा है, तो डिस्क्राइब द शॉर्ट इन अबाउट 100, तो उस प्यार की कहानी का या कोई फिल्म देखा है, चाहे उपन्यास पढ़ा है, चाहे कहानी वाला देखा है, तो उसको 100 शब्द 150 शब्दों में लिखना है। मीट योर सीनियर, अपने सीनियर से मिलिए,
हु आर अबाउट टू लीव द कॉलेज, जो अभी कॉलेज या स्कूल छोड़े हैं, आफ्टर टेकिंग द फाइनल एग्जामिनेशन, माने अंतिम परीक्षा देकर वो कॉलेज या स्कूल छोड़े हैं, आर ट्राई टू नो, जानने की कोशिश करिए कीजिए कि हाउ दे फील एट द टाइम टू लिविंग देयर स्कूल अकेले, जब स्कूल अकेले छोड़े हैं तो कैसा एहसास कर रहे हैं, है ना। और तीन, प्रिपेयर अ रिपोर्ट ऑन द, एक रिपोर्ट तैयार कीजिए लास्ट डे ऑफ द कैंपस, कैंपस का अंतिम दिन का, मैंशनिंग, वर्णन कीजिए डिफरेंट एक्टिविटीज, अलग अलग गतिविधि का, दैट टेक प्लेस ऑन द डे, वहाँ पे उस दिन जो जो गतिविधि किया गया उसका एक रिपोर्ट तैयार कीजिए। तो फ्रेंड्स, इसका ये मतलब आज जो भी एक्सरसाइज हमने कंप्लीट कर दिया है, और इसके बाद आपको हम लेकर आएंगे इसके जो 15 यानी 15 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। तो अगला मेरा जो मतलब कि वीडियो होगा, 15 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे जो आपको बहुत ज़्यादा एग्ज़ाम के लिए हेल्प करेंगे, है ना। तो मैं समझता हूँ कि यहाँ तक आप बिल्कुल समझ में आ गएंगे, तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया।